दोस्तों जब बात हो रही हो टीवी सीरियल की दो खूबसूरत अदाकाराओं के बारे में तो इसमें हम अभिनेत्री कृतिका सेंगर और सनाया इरानी का नाम ना लें तो ये तो सरासर नाइंसाफी ही होगी ना। यही तो टीवी इंडस्ट्री की दो खूबसूरत अदाकाराएं हैं जिन्होंने खुशी कुमारी गुप्ता और आरती बनकर लाखों करोड़ों और ना जाने कितने लोगों के दिलों पर न सिर्फ राज किया बल्कि अपना नाम टीवी इंडस्ट्री के टॉप अभिनेत्रियों में शुमार किया। लेकिन दोस्तों इस बात से तो आज हर कोई वाकिफ है कि दोनों अभिनेत्रियों को टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए काफी समय हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों अभिनेत्रियों की रियल एज क्या है, इन दोनों में से किस अभिनेत्री ने सबसे ज्यादा सीरियल्स में काम किया है और किस अभिनेत्री ने कमाई के मामले में जीत हासिल की है और इन दोनों में से किसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप भी इस बारे में सोच रहे हैं तो दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप इन दोनों खूबसूरत अदाकाराओं के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभिनेत्री कृतिका सेंगर से जिनका जन्म 3 जुलाई 1986 को कानपुर में हुआ था। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ तो देखा जाए तो अभिनेत्री कृतिका सेंगर आज अपनी 34 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में आई पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से की थी, जिसके बाद ये झांसी की रानी, पुनर्विवाह और कसम तेरे प्यार की जैसे कई सारे सीरियल्स के साथ साथ माय फादर गॉड फादर जैसी फिल्मों में नजर आई है। लेकिन साल 2016 से ही टीवी इंडस्ट्री से दूर है। वह देखा जाए तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2007 से थुकी थी और साथ ही साल 2016 तक ये टीवी इंडस्ट्री में नजर आईं, लेकिन 8 सालों के भीतर इन्होंने कुल 14 सीरियल्स और एक मूवी में काम किया है। अब कॉमन सी बात है, इन्होंने इतने सारे सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है तो जाहिर सी बात है ना कि ये काफी मोटी रकम भी चार्ज करती होंगी, तभी तो ये अपने सीरियल में एक काम करने के लिए 80 से 1 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं और अपनी इसी कमाई की बदौलत आज ये तकरीबन 20 करोड़ रुपए की इकलौती मालकिन बनी हुई है। वहीं अब अंत में बात कर लेते हैं इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, तो अब ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं जिसका रिजल्ट इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर साफ साफ जाहिर होता है। जी हाँ, बता दें कि आज कृतिका सिंगर के अकाउंट पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है। अब बात कर लेते हैं 17 सितंबर 1983 को जन्मी अभिनेत्री सनाया इरानी के बारे में जो कि आज 37 साल की हो गई हैं और इस 37 साल की उम्र में इन्होंने काफी ज्यादा तरक्की और सक्सेस हासिल की है। जी हां, साल 2006 में आई फिल्म अफना से इन्होंने इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री तो की। इस फिल्म की सफलता के बाद से ही ये टीवी इंडस्ट्री में भी अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आई, जहाँ इन्होंने लेफ्ट राइट लेफ्ट, मिले जब हम तुम और इस प्यार को क्या नाम दूं जैसे इस शानदार और सुपरहिट सीरियल्स के साथ साथ 3 वेब सीरीज में भी काम किया था जिसमें से एक आई डोंट वॉच टीवी जैसी वेब सीरीज भी शामिल है। लेकिन ये साल 2018 से टीवी इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं, जिसके चलते देखा जाए तो इन्होंने साल 2006 से लेकर 18 तक कुल मिलाकर 11 सीरियल्स मूवीज और वेब सीरीज में काम किया है। तो भाई जब इन्होंने 11 सीरियल्स मूवीज और वेब सीरीज में काम ही किया है तो जाहिर सी बात है ना दोस्तों कि इनकी अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई होगी। जहाँ एक तरफ ये सीरियल में काम करने के लिए 80,000 से 1 लाख रुपये तक चार्ज करती थी तो वहीं इन्होंने वेब सीरीज में काम करने के लिए भी 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक चार्ज किया था, तभी तो आज अपनी इसी कड़ी मेहनत की वजह से ये तकरीबन 25 करोड़ रुपए की इकलौती मालकिन बनी हुई हैं। अब अंत में नजर डालें इनके इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोवर्स की तरफ तो आज सनाया इरानी इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कि इनके इंस्टा अकाउंट पर तकरीबन 2.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं और डे बाय डे इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। वेल दोस्तों, आपने इन दोनों की रिपोर्ट देखकर अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि अभिनेत्री सनाया इरानी कृतिका सेंगर से प्रॉपर्टी और पॉपुलैरिटी दोनों के मामले में 2 कदम आगे है। हालांकि अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने सीरियल्स के मामले में अभिनेत्री सनाया इरानी को जबरदस्त टक्कर दे दी है। तो दोस्तों, आप इन दोनों अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और धमाकेदार अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।